नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में इस बार हमारे साथ हैं हरियाणा दमकल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गुलशन कालरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, परिवार में कौन कौन लोग हैं और शुरुआती जो एजुकेशन रही वो कहाँ से रही, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? एजुकेशन यमुना नगर की है और परिवार तो काफ़ी बड़ा है, फैमिली छोटी है। इसी तरह जिंदगी शुरू से संघर्ष रही है। तो इस छोटे सफर को शुरू किया था जीवन में, पर मौसम में आज यहाँ तक कृपा के यहाँ पहुँचे हैं। जो शुरुआती एजुकेशन रही, जैसे आपने बताया यमुना नगर से आप रहने वाले हैं, संघर्ष की भी बात करें तो शुरुआती संघर्ष किस तरह के रहे, आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो मुझे एक सफ़र था वो किस तरह का? शुरू से सफ़र तो संघर्ष रहा कि हमने शुरू से ही एक अपना मोटिव, एक मेहनत को अपनी सोचे दी कि हमने मेहनत से ही प्राप्त किया सब कुछ। शुरू से ही अपनी लगन से, मेहनत से, परम पिता परमात्मा से हाजिर नाजिर मान के अपने काम को अंजाम दिया। उससे मेरे से बल्कि हम बच्चों की बात करें, बेटी है तो बेटी क्या कर रही है अभी? बेटी मेरी फाइनल ईयर में है, फाइनल सिक्स सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर है और फाइनल एग्जाम चल रही है, डिग्री में पढ़ रही है। दमकल विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है पूरे हरियाणा की, ऐसे में चुनौतियां तो है ही ऑफिस की, आपके काम की, लेकिन इस सबके बीच क्योंकि एक दबाव तो रहता ही है हर वक्त, तो जब आप घर पर होते हैं या एक होता है कि ये आपका अपना समय है, उस समय को किस तरह से बिताते हैं कि ताकि वो जो एक ऑफिस का काम का जो दबाव है, वो जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने के लिए? पहली बात तो कभी मैंने काम को बोझ नहीं समझा, ना बोझ का स्ट्रेस लिया, काम का कभी स्ट्रेस लिया। मैंने तो काम, मेरे तो एक ही होता है, काम तो करना है, क्यों ना खुशी से करें। जो आपको काम करने से खुशी मिलेगी, जो परम पिता एक आत्मिक खुशी मिलेगी, उसका तो आनंद ही अलग है। वो खुशी कहीं बाजार में किसी भाव में नहीं मिलती। तो वो एक ही मोटिव रहता है कि अपना नेक नीति से, परम पिता परमात्मा के दृढ़ विश्वास से अपना काम करें और काम से जो खुशी मिलती है उसका कोई मतलब नहीं। और जो काम करके आपको एक आनंद मिलता है, उसका एक आत्मिक खुशी मिलती है, ये कहने सुनने से बने उसका कोई ज्ञान नहीं देता। यानी कि जो ऑफिस का काम है वो घर पर भी चलता रहता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी नेचर जो भी अपनी 24 घंटे की सर्विस है हमारी, तो रात को 2 बजे भी कॉल हो जाती है, हमारी अपनी कॉल आ जाएगी, कभी किसी टाइम भी कोई कॉल आ सकती है। तो हमें रात को उठ के अपने परिवार को छोड़ के जाना ही होता है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ सर्विस। तो मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ जो मैंने पहले ही अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पहले ही बता दिया कि मेरी नेचर ऑफ जो वैसी है, मुझे रात के 2 बजे उठ के जाना पड़ेगा, रात को सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ सकता है कभी अभी। तो क्योंकि मैंने छोटे से सफ़र स्टार्ट किया तो मुझे हर हर तरह की कॉल भी अटेंड करनी है, ऑफिस वर्क भी देखना है, हर काम देखना है, तो पूरा सपोर्ट मिला मुझे। तो शुरुआत में जब परिवार में दिक्कत थी, क्योंकि एडजस्ट करने में समय तो लगता ही है कि अचानक से 2 बजे फ़ोन आ रहा है, 3 बजे फ़ोन आ रहा है, तो कब घर से निकले हैं, कब घर पहुंच रहे हैं, उसका कोई समय तय नहीं है, तो शुरुआत में दिक्कत तो होती है एडजस्ट करने में। जैसे बताया आपने सपोर्ट किया परिवार, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही जब मेरी मैरिज शादी हुई तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी नेचर जो इस तरह की है, मेरा काम वगैरह कैसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, कभी भी मेरे मुझे मोटिवेट किया हर काम में, कि क्योंकि हमारी जो सर्विस है, हमारा जो मोटिव है वी सर्व टू सेव, हमें अपने आप को सेव करके दूसरों के जान माल की रक्षा करनी है। एक्चुअली क्या है कि हमारी सर्विस सबसे, अगर आप बाकी सर्विस को छोड़ के हमारी सर्विस को देख रहे हैं, कि जो सर्विस हमारी हमें जीविका के साथ साथ, हमें
एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक सेवा का मौका मिला हुआ है। ये परमपिता परमात्मा हर एक को नहीं देता। ऐसी बात है, बड़ी चुनौतियाँ हैं, बहुत चुनौतियाँ भी हैं, और आपको एक आप एक अपने एक प्रोफेशन के साथ साथ आप एक सेवा का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खाली समय, जब छुट्टी का समय होता है कि हाँ चलिए एक दो साल हो गए कहीं बच्चों के साथ बाहर घूम कर आया जाए, तो वो कोई फेवरेट डेस्टिनेशन, हाँ कि समय मिले तो वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली समय ही नहीं होता, बहुत कम समय मिलता है। कई बार तो मुझे ऐसी सिचुएशन होती है, मैं पूरा पूरा साल एक भी छुट्टी नहीं ले पाता। छुट्टी के मैं मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम पेंडिंग है, तो मुझे ऐसे मैं कभी फ्री बैठना पसंद नहीं करता कि मैं बिना वजह छुट्टी ले कर बैठ जाऊँ, बिना काम की छुट्टी लेके बैठ जाऊँ, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरा कोई काम पेंडिंग है या मेरी केवल में काम पेंडिंग है, और कोई किसी कोई पब्लिक वाला परेशान होए तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी कोशिश होती है कि मैं काम अपना टेबल क्लियर करके ही। बड़ा मुश्किल काम है कि जब आपके पास सूचना आती है तुरंत आपको वहाँ पहुँचना है, रिएक्ट करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ लोग उस आग से बचकर बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ दमकल कर्मी उस आग के बीच में जाता है, लोगों की ज़िंदगी को बचाता है और जो नुकसान है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चुनौतियाँ किस तरह की, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अब हम गुलशन कालरा जी के ऑफिस पहुंच गए हैं। ऑफिस की अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि पूरे ऑफिस को संभालना, पूरे हरियाणा की जो जिम्मेदारी है कि किस किस फायर स्टेशन में किस तरह की ज़रूरतें हैं, टीम को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, इसके अलावा जब आग लगने की घटनाएँ होती हैं तो उन चुनौतियों से भी कैसे निपटते हैं, तो तमाम इन पहलुओं को भी जानेंगे। तो सर, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है एक दमकल अधिकारी होने के तौर पर, चूँकि आपके पास पूरे हरियाणा का चार्ज है ऐसे में, तो वो सारी व्यवस्थाओं तो बात करेंगे ही, लेकिन जब आग लगने की कोई घटना जब सामने आती है तो उस वक्त का जो रिएक्शन है, किस तरह से पूरी टीम काम करती है? जैसे हमारी कोई भी घटना की कोई सूचना मिलती है तो हमारा स्टाफ हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहता है, हमारी गाड़ियां हमेशा अलर्ट मोड में रहती हैं। तो जैसे भी अब हमारा स्टाफ है, अभी आप देख रहे हैं कि सारा स्टाफ अलर्ट ड्यूटी पे है, और अभी हम चेक कर रहे हैं इनको, इनकी अटेंडेंस को चेक कर रहे हैं। ये प्रॉपर स्टाफ प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहता है हमारा 24 घंटे, और ये कंट्रोल रूम है, ये हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ बेसिकल जैसे सूचना मिलती है हमें तो यहाँ ही पे सूचना प्राप्त होती है। ये एपीटी के थ्रू भी सूचना मिलती है, कई बार डायरेक्ट कॉल भी आ जाती है। तो जैसे सूचना मिलती है हमारा स्टाफ हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहता है। जब कॉल कोई आती है, पहले 101 पे आती थी, अब 112 कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है पूरे सिस्टम को, पुलिस को और बाकी सर्विसेज को, तो उससे कितना फ़ायदा जो है वो देख रहे हैं, और किस तरह से जो है कंट्रोल रूम काम करता है, जो कॉल आती है, जो मैसेज आता है, और उसके बाद पूरी टीम किस तरह से दिया? हमारे पास जैसे पहले 101 पे कॉल आती थी, अब 101 100 नंबर पुलिस और हेल्थ 108 तीनों को इंटीग्रेट करके 11112 बना दिया। अब वो 11112 हमारी एफटी हर गाड़ी के अंदर फिट है, और जैसे कॉल आती है, अगर कॉल आ गई पुलिस की हेल्प की चाहिए तो पुलिस जाएगी, फायर की हेल्प की चाहिए तो फायर जाएगी, और एम्बुलेंस की जरूरत है तो एम्बुलेंस जाएगी। तो इस तरह हमें सूचना प्राप्त होती है, जैसे हमें कॉल प्राप्त होती है, और हमारी टीम उसी टाइम अलर्ट मोड में आ जाती है। सर ये तो नहीं पता, सर मुझे पूछनी पड़ेगी उनसे। तो नॉर्मल जो कॉल जब आती है तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अगर एक कॉल हम एक डेमो के तौर पर अगर समझना चाहें पूरे काम को, क्योंकि फील्ड में तो देखते ही हैं, लेकिन ऑफिस से भी किस तरह से टीम चलती है, क्योंकि कई बार शिकायत कर देते हैं कि जो है लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं, जाम है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं। जैसे ही हमारे पास कॉल आती है, कई बार कॉल जैसे हमारे पास कॉल आती है हमें तुरंत सबसे पहले उसका फ़ोन नंबर लिखना होता है कि ताकि उसका मोबाइल नंबर सब हमारे पास आ जाए। कई फ़ोन बीच में कई बार कॉल कट जाती है, फ़ोन कट जाता है, तो हम उसको उसका सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछते हैं ताकि हमें तुरंत हम कॉल बैक कर सकें, कॉल बैक करके हम उससे सूचना ले सकें, उसको समझाएं, उसको बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई बात नहीं, किस चीज़ में आग लगी है, आप चिंता ना करें, हम आपके पास पहुँच रहे हैं, हम
किसी तरह घबराए ना, उनको एक सतावना भी देनी होती है, सतावना देके हम तुरंत गाड़ी टर्न आउट करते हैं। जो रिएक्शन टाइम की बात करें सर, वो कितना टाइम हम लेकर चलते हैं कि जो टीम जो रेडी होके जो गेट से बाहर निकल जाए? मैक्सिमम 2 मिनट्स, 1.5 से 2 मिनट की हमारी सूचना है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है 1.5 से 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी गाड़ी टर्न आउट हो जाती है। तो अभी जैसे कॉल आई थी, अब उस पर जो रिएक्शन है, तो अभी ये रिएक्शन जो है वो हम देखें। अभी गाड़ी जैसे अभी कॉल आई है और अभी गाड़ी हमारी टर्न आउट हो रही है, ये गाड़ी हमारी मूवमेंट में है, ये FPT 7 टर्न आउट कर दी और तुरंत गाड़ी हमारी चली गई और इसी तरह गाड़ी कॉल पर चली गई। इस तरह हमारी ये कॉल पर फर्स्ट टर्न आउट चली गई है। देखो आप हमारे 60 सेकंड भी नहीं लगे, 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारी गाड़ी बाहर हो गई है। तो इस तरह जैसे सूचना आवाज़ जो नंबर ऑफ गाड़ी अगर बढ़ानी हो, क्योंकि अभी जैसे एक गाड़ी गई है, बाकी स्टाफ भी है, इसके अलावा जैसे रेस्ट भी करता है कुछ स्टाफ, अगर इमीडिएट उसे भी इन्वॉल्व करना है, इमरजेंसी कोई हमारी आग दूसरी आग लग जाती है, मान लो दूसरी कॉल लग गई या जैसे हमारी एक गाड़ी गई हुई है पर वहाँ जाके स्टाफ बोलता है कि आग घटना आग ज़्यादा लगी हुई है, आप दूसरी गाड़ी भेजो, तो तुरंत हमारा जो स्टाफ है अलर्ट मोड में रहता है और हमारा जो ऊपर क्वार्टर्स हैं उस क्वार्टर में भी स्टाफ रहता है और तुरंत स्टाफ हमारा आ जाता है। अभी सायरन बजाएं, अभी स्टाफ आ गया हमारा, अभी जैसे हमें कॉल मिल गई, दूसरी कॉल मिल गई और उसी तरह हमारा स्टाफ अलर्ट मोड पे आ जाता है। ये इसी तरह हमारा स्टाफ जो ऊपर रहता है 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है और ये रिजर्व स्टाफ है, कभी भी हम इनको कॉल कर लेते हैं। अभी दूसरी कॉल जैसे घटना मिली, अभी सूचना मिली, जैसे अभी हमारा स्टाफ गाड़ी में बैठ गया और हमें दूसरी गाड़ी टर्न आउट कर दी है, तो इस तरह की गाड़ी हमारी टर्न आउट हो जाएगी और कोई भी ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत हमारा स्टाफ तुरंत गाड़ी पहुँच जाएगा। इसी तरह ये विद इन 1 मिनट के अंदर हमारी ये गाड़ी दूसरी टर्न आउट होगी। इसी तरह कोई भी घटना होती है तो हमें जैसे सूचना मिलती है हमारी स्टाफ 24 घंटे अलर्ट रहता है और हमारी गाड़ी चली जाती है। बाकी जो स्टाफ है उसके साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अभी हम गुरुग्राम के यहाँ ऑफिस में जो दमकल विभाग का जो है, बाकी पूरे हरियाणा का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी देखेंगे। बाकी जब यहाँ भी जब आप होते हैं तो टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा अहम हो जाता है। जी जी, हमारा जो स्टाफ सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ का मोटिवेशन, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, क्योंकि बहुत चुनौती होती है गुड़गांव में, वैसे हाई रेंज बिल्डिंग है, कई बार ऐसे से घटना घट जाती है कि हमें अपनी जान भी जोखिम में डाल के उसकी दूसरे की जान माल की रक्षा करनी होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए हमारा स्टाफ को टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि किसी सबकी मोरल डाउन ना रहे और खुश रहें, क्योंकि घर परिवार की चिंता है और स्टाफ अपनी जान की भी चिंता है और काम भी है, तो इस तरह की चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं। फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड में जैसे सर ने बताया कि बड़े चैलेंजेस हैं और हम भी देखते हैं अक्सर, बहुत सारे मैंने खुद भी जो है वो रिपोर्टिंग के दौरान कवर भी किया है कि किन मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। देखिए, गर्मी का सीजन जोरों पे है, पिछले महीने हमारे एक एक स्टेशन पे 30-30, 35-35 फायर कॉलें आई है, जिसमें ज़्यादातर जो फायर कॉल है वो कूड़े कबाड़े की है, और कूड़े कबाड़े क्या जंक डीलर उसमें मल्टीपर्पज़ सामान रखते हैं, प्लास्टिक, रबड़, पोलोथिन्स वगैरह, गत्ते, कोई भी जो केमिकल्स के ड्रम, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन उस समय पे हो जाती है। लास्ट अभी आपने देखा होगा 24 तारीख को जो रात को मानेसर में आग लगी 30-35 एकड़ के अंदर, उसके अंदर काफ़ी झुग्गियाँ और उसके अंदर जंक डीलर का जो सामान था वो विंड डायरेक्शन जो हवा तेज़ चली उसके कारण से चारों तरफ फैल गया, जिससे हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसमें हमारे गुड़गांव के सभी फायर स्टेशनों के फायर टेंडर्स के अलावा हमने मारुति सुजुकी प्राइवेट जो हमारे म्यूचुअल एड के तहत है उनसे भी हमने सेवाएं ली, इसके अतिरिक्त दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी हमने सेवा ली। तो इस तरह से जो बड़े हादसे जब हो जाते हैं और जो जिससे जान और माल दोनों ही आपको पता है कि खतरा बढ़ जाता है, जिसमें हमने भांगरोला गांव को बचाया, उसके साथ एक लगती कॉलोनी को बचाया, काफ़ी झुग्गियों को भी हमने सुरक्षित बचाया। सर, एक और बड़ी चुनौती आती है अक्सर जो है, क्योंकि आप लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानी है, अक्सर लोग जो उसको देख नहीं पाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं कि समय पर नहीं पहुँचे, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, तो कभी कभी लगता है कि इतनी मुश्किल जान जोखिम में डाल के आप लोग काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी तारीफ कम और शिकायतें ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़गांव में हमें लगभग 100% तारीफ ही मिलती है, बहुत रेयर चांस होता है, क्योंकि ट्रैफिक हमारे हाथ में नहीं होता,
अब गुड़गांव जैसे शहर है पूरे हरियाणा में, क्या बल्कि दिल्ली से भी ज़्यादा ट्रैफिक गुड़गांव में आया है। जब हम रोड पे जाते हैं तो सैकड़ों गाड़ियाँ आगे होती है, किसी गाड़ी के ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकते, तो ट्रैफिक बहुत बड़ी इशू है। हम अपनी तरफ से विद इन 30 to 60 seconds हम गेट से बाहर होते हैं, बट ऑन द रोड जितना टाइम लगता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ट्रैफिक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप देख ही रहे हैं। इस लगभग कोरोना खत्म होने के बाद तो ट्रैफिक लगभग दो गुना हो गया है। अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं देखिए जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए भी कैंपेन आप लोग कर चलाते हैं। हम लोग कैंपेन चलाते रहते हैं, 14 से 20 अप्रैल एक स्पेशल कैंपेन चलता है हम लोगों का, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते हैं, बिल्डिंग्स में जाते हैं, RWS के साथ मिलकर हम उनको फायर सेफ्टी के टिप्स देते हैं, उनको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम लोग उनको बताते हैं। इसके अलावा भी कोई स्कूल वगैरह जो भी हैं, स्कूल के बच्चे अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं, और इसमें किसी प्रकार का हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते। किसी कंपनी, फैक्ट्री, कोई भी संस्था अगर हमें रिक्वेस्ट करती है कि हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, तो हम एज़ पर डिमांड हम वहाँ भी जाते हैं और बिना किसी चार्जेस के उनको कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द हम अवेयर करेंगे। आप लोगों का जो काम है वो काबिले तारीफ़ है, जान को जोखिम में आप लोग डालते हैं, तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं उससे भी आप जो है हर रोज़ रूबरू भी होते हैं, लेकिन जो एक जज्बा जो हर वक्त बना रहता है कि नहीं अगर कोई सूचना आई है तुरंत मौके पर पहुंचना है, उस आग पर तो काबू पाना ही है, अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे तुरंत बाहर निकालना है, और उसके लिए कितना बड़ा रिस्क जो है दमकल अधिकारी और कर्मचारी उठाते हैं। तो अभी हमने जो देखा कि किस तरह से अगर एक कॉल आता है, अगर कहीं आग लगती है तो उसको लेकर कि तुरंत जो है फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, जो कर्मचारियाँ हैं, वो किस तरह से तैयार रहते हैं और तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे सर से कि पूरे हरियाणा में दमकल विभाग के पास तमाम तरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं, वो भी सर से समझने की कोशिश करेंगे। अफसरनामा के हमारे इस खास सफर में हरियाणा दमकल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गुलशन कालरा जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपकी निजी ज़िंदगी से लेकर फील्ड में किस तरह की चुनौतियां हैं ये हमने देखा कि एक दमकल कर्मचारी के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े ही बेहतर तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। एक सेवा, क्योंकि ये सेवा भी है एक जिम्मेदारी और काम के अलावा, आपके पास पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो कितने हमारे पास जो है फायर स्टेशन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैन पावर की बात करें? टोटल हमारे पास 86 फायर स्टेशन आप देखिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 500 के लगभग रेगुलर कर्मचारी हैं और 1400-1500 लगभग आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, तो कुछ पेरोल के हैं, कुछ आउटसोर्स के हैं। अब तो सभी HKRM से डिपार्टमेंट में चले गए हैं। इस तरह लगभग हमारे पास 2000 लगभग कर्मचारी हमारे पास टोटल हरियाणा में। हरियाणा में अगर बात करें कि चैलेंजेस की बात करें फायर विभाग के लिए जो चैलेंजेस हैं, ऐसा कौन कौन सा एरिया है स्पेशली, क्योंकि जो बड़े जो शहर है, जो गांव है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, या जीजी वैल की बात करें, यहां पर ज़्यादा चैलेंजेस हैं, या फिर जो हम रूरल जो एरिया है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहां मुश्किलें ज़्यादा आती हैं? सबसे ज़्यादा चैलेंज जो मैं महसूस करता हूं, जब मैं देख रहा हूं, गुड़गांव फर्स्ट नंबर पे आता है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, तो ये जो स्टेशन है, अब झज्जर है, झज्जर में भी जो आजमगढ़ में बहुत इंडस्ट्री है, जहाँ जो नए से नए रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, नए से नए चैलेंज आ रहे हैं, इस तरह काफ़ी जो नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं, नई नई इंडस्ट्री लग रही हैं, इंडस्ट्री में नए नए रिस्क हैं, हर तरह के रिस्क हैं, तो इस तरह के जो सबसे ज़्यादा गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये मेन पॉइंट है। गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, जो सोनीपत आप तो हम जो बता रहे हैं, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में फायर की जो खबरें हैं वो ज़्यादा रहती हैं, या फिर रेजिडेंशियल एरिया में भी उतना ही परसेंटेज, उतना ही रेशो है, और चूँकि इन शहरों में हाई राइज भी बहुत ज़्यादा है, गुरुग्राम में तो एक से बढ़कर एक बड़ी इमारतें हैं, तो क्या हम सक्षम हैं कि उस 25-30-35 माला की जो इमारतें हैं वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, अगर कोई भगवान ना करे कोई किसी तरह की कोई हादसा हो? बिल्कुल सक्षम हैं, और आप शायद पिछले अभी 1.5-2 महीने में इतने हादसे हुए हैं, डेली 25-26 डेली कॉल आ रही है, उसमें से 50% तो मेजर फायर है,
तो हमारे पास अभी पीछे अभी एक पीजी में लगी थी आग, शायद आपको पता हो पीजी में आग लगी थी, उसमें 65 बच्चों को हमने, 65 बच्चों की जान बचाई थी हमने, 65 बच्चों को निकाला हमने, रेस्क्यू किया उनको। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, और हम तो क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी है और 34 फायर गाड़ियाँ हैं और 8 मोटरसाइकिल हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है हमारे पास 8-9 जो म्यूचुअल एड हैं जिनके साथ हमारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, DLF है, मारुति है, हल्दीराम है, होंडा है, एयरफोर्स है, तो इस तरह की जो हमारे जिनके साथ म्यूचुअल एड रहती है उनसे भी हम हेल्प लेते भी हेल्प देते भी हैं। तो हमें हमारे पास जैसे 42 मीटर की अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है और 90 मीटर की 2 DLF के पास है, तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बड़ा चैलेंज जो है वो अभी जैसे अपने पहले भी बात की, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रैफिक का। आप तो यहाँ आपकी पूरी टीम जो है वो कम समय में वो यहाँ से बाहर तक तो निकल जाते हैं, लेकिन जहाँ हादसा हुआ है वहाँ तक जो पहुँचना है, तो जो ये ट्रैफिक की जो दिक्कत है, तो क्या इसके लिए कुछ कोऑर्डिनेशन या कुछ भविष्य में भी एक अलग से कोई ऐसी व्यवस्था हो, फिर चाहे एम्बुलेंस हो या फायर दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, उन्हें पैसेज मिल सके कहीं अगर हादसा होता है तो वो समय पर पहुँचे, क्योंकि हम जाम में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे पैदल चलने वालों का लिए रास्ता होता है, अलग से पैदल के लिए पैसेज होता है, कार के लिए पैसेज होता है, इसी तरह एक अलग से पैसेज बन जाए एमरजेंसी व्हीकल के लिए, चाहे एम्बुलेंस हो, पुलिस हो, फायर हो, तो एमरजेंसी के लिए उसमें सिर्फ एमरजेंसी व्हीकल ही जाए और ऐसा कुछ पैसे बन जाए तो हम उस पर और ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। फायर के दौरान बहुत सारे ऐसे हादसे भी होते हैं कि जो लगता है कि हमेशा जो है जहन में रह जाते हैं, क्योंकि एक लंबा समय आपका भी रहा है, कुछ इस तरह के कुछ इंसिडेंट रहे हैं जो आप शेयर करना चाहें। हादसे तो रोज़ नई से नई चुनौतियाँ आती हैं हमारे सामने, कई बार ऐसी होती है कि एक अभी पीछे लास्ट ईयर मानेसर में आग लगी एक फैक्ट्री में, तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पर आग थी, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में हवा ऐसी चली कि वो सारी पूरी फर्स्ट और सेकेंड को भी चपेट में ले लिया, तो पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। हमने उसको बड़ी तरीके से, हमने आस पास की सभी फैक्ट्रियों को बचाया और उस फैक्ट्री को जो जली थी उसको भी हमने कोशिश की है कि नुकसान कम से कम हो, तो कोई भी एक जान माल का नुकसान, माल का तो नुकसान हुआ, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती हमारी है। जब फायर कर्मचारी जब आग दिखाने जा रहा होता है, जब हमने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ से जो लोग जान बचाकर बाहर निकल रहे होते हैं और आप जो उन जानों को बचाने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, कई बार ये भी होता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह का मोटिवेशन होता है, क्योंकि ये तो लगातार और हर बार आता है, बाकी जो अगर फोर्सेज या बाकी जो दूसरी उसकी बात करें हम, वहाँ पर इतनी नहीं होता, इतना रिस्क लगातार इतना नहीं बना होता जितना फायर विभाग के सामने बना रहता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी तरह हमारा जो जवान है वो प्रॉपर हेलमेट पहन के जाता है, गंभूर पहन के जाता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाता है ऑपरेशन ड्रेस में, ताकि कोई भी किसी तरह की, कई बार ऐसा होता है कि कई बार शेड बना हुआ है तो शेड एकदम ऊपर से गिर जाए, कोई बिल्डिंग कलेप्स हो जाए, कई बार कोई आग की चिंगारी ऊपर से गिर जाए, तो उस तरह की हमारे पास धुएँ फंस गया, कई बार ऐसे धुआं, तो हमें रुमाल, उस समय मौके पर नहीं मिला तो हम अपना रुमाल गीला करके वही बांध लेते हैं और उसको हम क्रॉलिंग करके धीरे धीरे नीचे से होकर, धुआँ हमेशा ऊपर की तरफ फैलता है, तो हम क्रॉलिंग करके नीचे से निकल के हम जाते हैं आग बुझाने के लिए। चलिए सर, बहुत सी बातें जो है आज आपने साझा की अपनी निजी ज़िंदगी से लेकर तमाम जो फील्ड की चुनौतियाँ हों या ऑफिस की जो जिम्मेदारियाँ हैं, और एक फायर जो कर्मचारी है उसके सामने वो जाहिर सी बात है अपनी नौकरी कर रहा है परिवार को अपने पालने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस नौकरी के अंदर जो सेवा है और जो जान का जोखिम है, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी कोशिश इस फायर कर्मचारी की यही रहती है कि वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करे, और एक सल्यूट भी बनता है तमाम दमकल विभाग के उन कर्मचारियों को जो हमेशा तत्पर रहते हैं हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो आज के अफसरनामा के इस सफर में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।